Everyone, so welcome to the day one of your 30 days challenge excellence in preparation for exams. So basically आज day one है, तो क्या होने वाला है, क्या target मैं आपको देने वाली हूँ, so बहुत ध्यान से सुनो. मैंने आपको अपनी वीडियो में जो डिस्क्रिप्टिव वीडियो थी उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो आप बिल्कुल वैसे ही करोगे. इस वीडियो के थ्रू, इस चैलेंज के थ्रू मेरा मोटिव है कि आपका जो स्टडी अप्रोच है वो चेंज करना, वो इम्प्रूव करना, राइट. तो फॉर एग्जाम्पल आप कंपनी लॉ पढ़ रहे हो और आपको वही पढ़ना था, तो आप कंपनी लॉ की बुक उठाओगे और उसका जो इंडेक्स है वो आप सॉर्ट करोगे. अब सॉर्ट कैसे करना है, तो अपने डिफिकल्टी लेवल पर सॉर्ट करना है. फॉर एग्जाम्पल कंपनी लॉ में अगर आप ओल्ड सिलेबस में हो तो तीन पार्टीशन है, तीन सेक्शंस हैं, और अगर आप न्यू सिलेबस में हो तो दो हैं. उसमें से आपको डिफिकल्टी कहाँ लगती है, क्या कम समझ में आता है, किसमें देर लगती है, वो आप पहले करोगे, ठीक है. और ऐसे ही आपको हर एक सब्जेक्ट के साथ करना है जो भी आप अपकमिंग अटेम्प्ट में देने वाले हो. इससे होगा क्या मैम, इससे बेटा आपका ये होगा कि जब आप डिफिकल्टी वाले चैप्टर्स पहले पिक करोगे और उनको समझने की कोशिश करोगे, क्योंकि अभी आपके पास थोड़ा टाइम है, तो आप उसको वन बाय वन अगर पढ़ोगे, कोशिश करोगे, तो आपकी डिफिकल्टी जो लेवल है वो बहुत कम होती चली जाएगी, ठीक है. तो इसीलिए आपको करना क्या है, आज आपका प्लानिंग एंड सॉर्टिंग है. आपको सॉर्ट करने हैं सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स अकॉर्डिंग टू देयर इंडेक्स, ठीक है. और उसको आप अच्छे से एक लिस्ट बनाओगे जिसमें कि आप लिखोगे कि ये मुझे डिफिकल्ट लगते हैं, ये मुझे कम डिफिकल्ट लगते हैं, ये मेरे बहुत इजी हैं. इसी के साथ एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, इससे आप ही को आसानी होगी. जो भी आपकी बुक शेल्फ है उस पर आपको अपनी बुक्स सब्जेक्ट वाइज रखनी है. फॉर एग्जाम्पल कंपनी लॉ की अगर हम बात करते हैं, तो कंपनी लॉ की बुक, उसका रजिस्टर, उसके समरी नोट्स, उसका स्कैनर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं लिए हैं तो अभी भी ले लेना, लिंक दिया हुआ है मैंने टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, क्योंकि वरना बहुत देर हो जाएगी और मैं जो टारगेट देने वाली हूँ ना वो स्कैनर्स में से भी दूंगी, ठीक है. उसके बाद आपके लूज नोट्स, अमेंडमेंट शीट्स जो भी हैं आप ऐसे पाइल अप बनाओगे ताकि जब भी आपको पढ़ना हो आप पूरा स्टैक उठाओ, फाइल उठाओ और अपने टेबल पर रख दो. क्योस नहीं रखने का है हम लोगों को, ठीक है. तो ऑल द वेरी बेस्ट, कल मिलते हैं डे टू के टारगेट के साथ.